एवरीवन, माय नेम इज अपूर्वा एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड के बारे में. दिस इज वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ. सो इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एनिमल के साथ हम काम कर रहे हैं, एनिमल स्पिरिट के साथ हम काम कर रहे हैं अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी चीज़ों को या जो भी इसके यूजेस होते हैं स्विच वर्ड के, स्विच फेस के, हम इसमें एनिमल स्पिरिट की हेल्प ले रहे हैं. अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, इंसानों के स्पिरिट गाइड्स होते हैं राइट, बट सेम तरीके से एनिमल्स के स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं बिकॉज एनिमल्स भी स्पिरिट होती हैं. ठीक, अभी एक चीज़ आपको समझनी है कि हम काफ़ी जनरेशन या काफ़ी मतलब शायद ये दुनिया बनी है तब से हम एनिमल्स की हेल्प लेते हैं चीज़ों में. अगर बात करें इवन आज के टाइम में भी तो हम डॉग्स को पालते हैं जिससे कि वो हमारे घर की रखवाली करें मैक्सिमम केसेस में राइट. डॉग की हम प्रोटेक्शन के लिए हेल्प लेते हैं, काऊ का हमें मिल्क मिलता है, तो हम आज भी एनिमल्स की हेल्प लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. ठीक, सो उसी तरीके से जो एनिमल स्पिरिट गाइड्स होते हैं हम इनकी हेल्प भी ले सकते हैं. एनिमल स्पिरिट गाइड सिर्फ वोल्फ ही नहीं है, बहुत सारे एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं, ईगल हो गया या फिर आउल हो गया. सो हम एनिमल स्पिरिट गाइड्स की हेल्प ले सकते हैं अपने कामों को बनवाने के लिए या फिर अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए. अब बात करें स्पेसिफिकली वोल्फ की, तो बहुत ही ऑब्जर्विंग होता है प्लस बहुत ही ज्यादा कहते ना फास्ट होता है एंड बहुत ही स्ट्रांग भी होता है, स्ट्रेंथ भी होती है. तो बेसिकली जब हम इस फेस के साथ काम करते हैं वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, उसमें हम वोल्फ स्पिरिट को इन्वोक कर रहे होते हैं. ठीक है, उनको अपनी हेल्प के लिए बुला रहे होते हैं. एंड ये जो वर्ड आप देख रहे हैं वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये सिर्फ वर्ड नहीं है, इसको लाइक ऐसे वर्ड की तरह चैंट नहीं करना है. माइंड में ये इंटेंशन रखनी है कि आप एक वोल्फ स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं. सो अगर आप सोच रहे हैं कि आप चैंट करे जा रहे हैं फेथ नहीं है, बस वर्ड की तरह उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो मे बी हो सकता है वो चीज़ आपके लिए काम ना करे. या फिर ट्रस्ट इशूज हैं, बिलीफ इशूज हैं, तो प्लीज डोंट डू दिस. सिंपल, बहुत अच्छी सिंपल सी बात है. सो बेसिकली यहाँ पे हम एनिमल स्पिरिट गाइड के साथ काम कर रहे हैं एंड एनिमल स्पिरिट गाइड्स हमेशा हमारी हेल्प के लिए रेडी होते हैं, बट वी हैव टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी. सो आज हम बात कर रहे हैं वुल्फ के बारे में, तो वुल्फ की हेल्प हम किस किस टाइप की सिचुएशन में ले सकते हैं. पहली चीज, कोई भी आपका काम है वो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, नहीं हो रहा है, ऑब्स्टिकल कह लो या फिर कुछ भी कह लो, वो जो काम है लगता है कि अभी होगा बट नहीं हो रहा है. सो इस केस में आप इस स्विच फेस को यूज कर सकते हैं. अब सेकेंड सिचुएशन हम मान लेते हैं कि आपकी एक मैनिफेस्टेशन, आपकी एक विश है एंड वो बहुत टाइम ले रही है होने में, या फिर वो लगता है कि अभी होगी बट वो हो ही नहीं रही है. तो अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को आप बूस्ट करने में इस स्विच फेस की हेल्प ले सकते हैं या फिर वुल्फ स्पिरिट की हेल्प ले सकते हैं. नेक्स्ट, सपोज करें कि आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है बट आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं बट आपको पता नहीं है कि बेस्ट वाला कौन सा है, सही पाथ कौन सा है, तो आप सिंपली इस फेस का यूज कर सकते हैं. आपको अपने आप से चीजों का इंसाइट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि आपको कौन से पाथ पे जाना है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में आपको ये हेल्प कर सकता है. इस स्विच फेस को आप अपने हेल्थ इश्यूज के लिए यूज कर सकते हैं. सपोज आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप इस स्विच फेस का यूज कर सकते हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं, चीजें आपको याद नहीं रहती हैं, आप इस सिनेरियो में भी वुल्फ की हेल्प मांग सकते हैं. या फिर आपकी लाइफ में कुछ चीजें ग्रो नहीं कर रही, या फिर बिजनेस की बात कर लेते हैं, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, फिर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, इस केस में आप ये वुल्फ स्पिरिट की हेल्प ले सकते हैं. नेक्स्ट, हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़ी सिचुएशन में फंसे हुए हो, बहुत बड़ी सिचुएशन है ना, आपको उस चीज से निकलना हो, इमरजेंसी है. वुल्फ जो है वो चीजों को स्पीड अप करता है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में डेफिनेटली वुल्फ स्पिरिट आपकी हेल्प करेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सपोज कोई पर्सन है वो आपको बहुत तंग कर रहा है, आपको बहुत पोक कर रहा है, या फिर आपको बहुत ही इरिटेट कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, उसको आपको भगाना है, लाइक प्लीज मेरे से दूर हो जाओ, तो उस सिनेरियो में भी आप वुल्फ की हेल्प ले सकते हैं. एजुकेशन, मार्क्स या कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज है या फिर जॉब से रिलेटेड चीज है, आप उसमें चीज कर सकते हैं, इस फेस को चैंट कर सकते हैं. फिर रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आप उसमें इस फेस को यूज कर सकते हैं. पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं. सपोज आपको अर्जेंट मनी का रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट मनी आपको चाहिए, आप उस सिनेरियो में भी वुल्फ स्पिरिट की हेल्प ले सकते हैं, सिंपली इसको चैंट कर सकते हैं. बहुत से तरीके हैं बट मनी केसेस में, इमरजेंसी मनी में भी आप इनकी हेल्प ले सकते हैं. लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रही है, डेफिनेटली इस स्विच फेस को आप यूज कर सकते हैं. इन शॉर्ट, लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी छोटी से छोटी चीज हो, आप उसके लिए हेल्प ले सकते हैं. एंड ये जो स्विच फेस है ये हर सिचुएशन में काम करता है, चीजों को स्पीड अप करता है, इमरजेंसी प्रॉब्लम्स के लिए, मनी प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर कोई भी सिचुएशन है उस चीज को उस चीज से आपको बाहर निकालने के लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. तो ये जो वुल्फ स्पिरिट है इसको कभी भी अंडरएस्टिमेट मत करो, हमेशा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो. एंड एक और चीज, आपका कोई गोल है, आपका टारगेट
टारगेट है, आप वो अचीव करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भी आप वुल्फ की हेल्प ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसे करना कैसे है। मेरा सबसे फेवरेट तरीका है चैंट करना। चैंटिंग अगर आप 108 बार भी करते हैं तो मुश्किल से आपके 10 मिनट्स लेगा, बट ये 108 टाइम्स जो चैंट है ये मिनिमम है। ट्राई करो दिन में, अगर आपकी कोई विश है ना, आप चाहते हो कि आपको जल्दी हेल्प मिले, ट्राई करो दिन में उसको मल्टीपल टाइम चैंट करने का। ठीक है, जितनी बार आप चैंट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप लिख सकते हो 108 बार डेली, या फिर आप इसको लिख के अपने पिलो के नीचे रख के इस पर सो सकते हो, इससे पानी चार्ज कर सकते हो, इसे पी सकते हो, खाना चार्ज कर सकते हो, खाने के ऊपर इसको एज अ एफर्मेशन बोलना है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, उसको चार्ज करके एनर्जी दे के आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। आप जितना इसकी एनर्जी में रहोगे, जितना चैंट करोगे, जितना लिखोगे, उतना ही आपको फायदा है। आप एक और चीज कर सकते हो, एक पेपर लेना, उस पर एक सर्कल क्रिएट करना, अपनी विश लिखना पहले, ठीक है, जो भी आपकी विश है कि ये मेरी जो विश है ये फुलफिल हो गई है प्रेजेंट टेंस में, जैसे हम लिखते हैं, नीचे इस फेज को लिख देना है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। एंड इसके बाद अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर हैं या फिर रेकी मास्टर, जो भी हैं, आप रेकी प्रैक्टिस करते हैं, आप इसको रेकी दे सकते हैं, या फिर आप सिंपली डेली इसको होल्ड करके इसको विजुलाइज कर सकते हैं अपनी विश को कि वो पूरी हो चुकी है, एंड एनिमल स्पिरिट यानी कि वो स्पिरिट को आप थैंक यू बोल सकते हैं, इस पेपर के साथ आप सो सकते हैं, जो भी आप क्रिएटिव आपके माइंड में आता है अपने पर्स में रख लीजिए, मतलब अपने पास रख सकते हैं, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसको बहुत मल्टीपल टाइप से यूज कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट पर्सनली कि मल्टीपल टाइम्स इसको चैंट करो, मल्टीपल टाइम्स चैंट करो दिन में। 108 तो देखो दिन का मिनिमम है, आप चाहो तो दिन में 3-4 बार इसे करो, जिससे कि आपकी जो विश है उसको बूस्टअप मिले। जब आप इसको चैंट करना, इसको सुनना स्टार्ट करोगे, आप अपने आप से ना एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर फील कर पाओगे। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं, इसको चैंट करते करते चैंट करते करते, जब आप बहुत ही डीप मेडिटेशन में इसको चैंट करते करते चले जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके सामने कुछ शेप्स बनने स्टार्ट हो जाएं, कुछ सर्कल्स बनने स्टार्ट हो जाएं, या फिर ट्राइंगल्स, कोई भी शेप आ सकती है, कोई भी कलर आ सकता है आपके सामने। अगर आप बहुत डीप मेडिटेशन में कभी गए हैं तो आपको पता है कि मैं क्या चीज बोल रही हूँ। जब आप डीप मेडिटेशन में जाएंगे, आपके सामने ये सब चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी बंद आंखों में। इसका मतलब ये है कि आप काफी डीप मेडिटेटिव स्टेट में हैं। ठीक, इसके बाद सिंपली आपको जब ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको उस वुल्फ स्पिरिट को बुलाना है 3 बार, उनको अपना नाम बताना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरा नाम ये है, एंड थोड़ी देर उस चीज को फील करो, उस एनर्जी को फील करो। अगर 1% आपको फील नहीं भी होता है तो एटलीस्ट विजुलाइज और जस्ट एटलीस्ट बिलीव। ठीक है, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो एनर्जीज को फील कर पाएंगे, बट ऐसे लोग भी होंगे जिनको कुछ फील भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं, उनको थैंक यू बोलो, उनको वापस भेज दो कि थैंक यू सो मच फिर सुनने के लिए। उसके बाद धीरे 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 अपनी आंखें खोलनी है, हैंड्स को रब करना है, अपनी आंखों पर रखना है, अपने हाथ चक्र पे रखना है, एंड दैट इज इट। आप चाहे इसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं दिन में, या फिर आप सिंपली इसको एक बार कर सकते हैं, बट कम से कम डेली ये चीज करो, 30 डेज तक कम से कम ये चीज करो। ठीक है, तो आप इस तरीके से बिल्कुल वुल्फ की हेल्प ले सकते हैं। तो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को वैसी और भी वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय।